नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। मैं हमेशा ही आप लोगों के लिए नए नए विषय पर वीडियो बनाता रहता हूँ। मैंने अपने 23 सालों में जो साइट विजिट पर जाकर अनुभव किया, वो अनुभव आप लोगों के साथ साझा करता रहता हूँ। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं हमेशा ही आप लोगों को वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपना अनुभव भी ज़रूर शेयर करूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑफिस के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऑनर की सेटिंग कहाँ पर किस दिशा में होनी चाहिए और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आपका अपना ऑफिस है, आपने अपनी फैक्ट्री लगाई हुई है या कंसल्टेंसी ऑफिस किया हुआ है या ट्रेडिंग का ऑफिस है, सारी जिम्मेवारी ऑनर के ऊपर होती है। आपकी अपनी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में जितना भी स्टाफ है उनके सारे खर्चे, फैक्ट्री के खर्चे, बिजली के बिल हो गए, रेंट की जगह है तो उसका रेंट, और जगह अपनी है तो उसकी लागत के हिसाब से प्रॉफिट चाहिए। ये सब ड्यूटी ओनर की बनती है। ओनर के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन होता है कि वो अपने खर्चे किस तरीके से मीट करें। यदि आप फैक्ट्री के मालिक हैं या आपने अपना कंसल्टेंसी ऑफिस खोला हुआ है या ट्रेडिंग का ऑफिस है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपनी सीट को मजबूत करें। आपकी अपनी सिटिंग साउथ वेस्ट में, यानी दक्षिण पश्चिम में नैऋत्य कोने में होनी चाहिए। आप वेस्ट की दीवार के साथ ईस्ट की ओर फेस करके बैठेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट हमेशा मिलेंगे। आपके सारे काम समय पे होंगे और कभी भी आपको पैसे की तरफ से दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कब आती है? जब आपकी पीठ पीछे सॉलिड वॉल नहीं होते। आपकी अपनी सीटिंग के बैक साइड में खिड़की है, दरवाज़ा है या फिक्स ग्लास लगा हुआ है, तो आपका कोई भी काम समय पर पूरा नहीं होता और उस काम में आपका पैसा भी भरपूर लगता है, बेवजह का पैसा खर्च होता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अपनी पीठ पीछे की खिड़की को, दरवाजे को या फिक्स ग्लास है उसको प्रॉपर तरीके से बंद करें। वहाँ पर प्लाई बोर्ड लगा सकते हैं तो प्लाई बोर्ड लगाएं, ईंटों की दीवार करा सकते हैं तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, नहीं तो प्लाई बोर्ड लगाकर आप उसे बंद जरूर करें। जैसे ही आप उसे बंद करेंगे तो मेरा अपना ये मानना है कि जो काम आपके डिले हो रहे हैं वो काम आपके एक एक करके बनते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके काम कैसे बन गए। और उन कामों में जो पैसा आपका ज़्यादा खर्च होता है वो पैसा भी खर्च होना कम हो जाएगा। क्या काम करने से? पीठ पीछे खिड़की और दरवाज़ा बंद करने से। कुछ जगह ऐसा देखने में भी आता है कि पीठ पीछे तो सॉलिड वॉल हो जाती है लेकिन राइट शोल्डर पर या लेफ्ट शोल्डर पर कोई खिड़की आ जाती है या दरवाज़ा आ जाता है, यानी जो सामने टेबल है टेबल के साथ में अपना साइड टेबल लगी हुई है या सिर्फ सीधी स्ट्रेट ही टेबल है और जहाँ ऑनर बैठा है उसके राइट शोल्डर पर दाएँ हाथ की तरफ या बाएँ हाथ की तरफ लेफ्ट शोल्डर की तरफ कोई खिड़की है, दरवाज़ा है, तो ये मान के चलिए उसके काम डिले होते हैं। आपको अपनी सीट मजबूत करनी पड़ेगी। सीट कितनी मजबूत करनी पड़ेगी? यानी जहां आप बैठे हैं आपकी पीठ पीछे आपके लेफ्ट वॉल से लेकर जहां तक आपकी टेबल जाती है वहां तक कोई भी खिड़की दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जहां आप बैठे हैं वहां से आपके फ्रंट में जहां तक आपकी टेबल जाती है वहां तक साउथ वॉल और वेस्ट वॉल कंप्लीट पैक होनी चाहिए। आपके ऑफिस की साउथ वॉल और वेस्ट वॉल सॉलिड होनी चाहिए। आप ईस्ट डायरेक्शन की ओर फेस करके बैठें या नॉर्थ डायरेक्शन की ओर फेस करके बैठें, आपके काम जरूर बनेंगे। जो पैसा आपका बेवजह खर्च होता है, जो काम आपके डिले होते हैं और उसके कारण आपका बेवजह का पैसा खर्च होता है, तो वो पैसा खर्च होना भी बंद हो जाएगा और आपके सारे काम एक एक करके बनते चले जाएंगे। आपने अपने यहाँ पर ये छोटे से उपाय जरूर करने हैं। आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं, कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो जो बातें मैंने आपको बताई ये बातें अपने यहाँ पर अप्लाई करके ज़रूर देखें। मेरा अपना मानना है कि आपके काम जरूर बनेंगे और एक सच्ची नीयत से, साफ नीयत से किया गया काम हमेशा ही सफल होता है। कई बार थोड़ा सा समय लग जाता है लेकिन काम फिर भी बन जाते हैं। और जैसे ही आप अपनी पीठ को, बैक साइड को सॉलिड करेंगे, कंधों को सॉलिड करेंगे, तो आपके काम जरूर बनेंगे। आप अपनी किसी भी साइट के बारे में हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं, और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं। आप हमें अपनी साइट पर
साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो आप हमें साइट विजिट के लिए इनवाइट भी कर सकते हैं। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको सही लगी तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और मेरी इस वीडियो को अपने बिजनेस ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। मैंने अपने YouTube चैनल पर 250 प्लस वीडियो अपलोड की हुई है। आप मेरी वो सभी वीडियो भी देखकर अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।